हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आज का टॉपिक आइसोडाइफर्स एंड आइसोटोपिक नंबर है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, वेन डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिफरेंस किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का आर सेम। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है फॉर डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट्स का, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। दीज आर नोन एज आइसोडाइफर्स, मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए अलग अलग एलिमेंट का, तो उन एलिमेंट्स को आइसोडाइफर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 92 यूरेनियम 235 और 90 थोरियम 231, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143 है, थोरियम में 90 यानी प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 141 है। इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो डिफरेंस है वो 51 है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 51 है। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम और थोरियम में दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए यूरेनियम और थोरियम आइसोडाइफर्स हैं। और जो नंबर आया है वो नंबर क्या है, दोनों का 51, ये नंबर आइसोटोपिक नंबर कहलाता है। तो आइसोटोपिक नंबर क्या हुआ, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस करने पर जो नंबर आता है डेट इज नोन एज आइसोटोपिक नंबर। यह आइसोटोपिक नंबर मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, देन नंबर इज ऑब्टेन्ड, दैट नंबर इज नोन एज आइसोटोपिक नंबर। तो उस नंबर को हम आइसोटोपिक नंबर कहते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल बीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।